मिस्ट्री और रहस्य से भरी एक जबरदस्त कहानी जिसमें एक लड़की पाती है कि उसकी अब तक की सारी जिंदगी, सारी घटनाएं जो उसके साथ हुई वे सब की सब झूठी थी, जहां आखिर वाला ट्विस्ट तो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो पूरी कहानी चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एलेन नाम की एक अंधी लड़की से होती है, जो कि अब अपनी लाइफ से इतनी तंग आ चुकी है कि वो अपनी जान देने के लिए अपने अपार्टमेंट से कूद जाती है। अब यहाँ से कहानी एक महीने पहले से शुरू होती है, जहाँ एलेन एक बहुत फेमस वॉयलिनिस्ट है। लेकिन जब एक रात वो कार पार्किंग में थी, तभी कोई अननोन आदमी आकर, जिसने मास्क पहना था, किसी वियर्ड से केमिकल को एलेन की आंखों में स्प्रे कर देता है, जिससे एलेन दर्द के कारण वहीं बेहोश हो जाती है। अब उसे हॉस्पिटल में होश आता है, जहां एलेन की दोनों आंखों पर अब पट्टी बंधी हुई थी, जहां एक उमर नाम का नर्स आकर उसकी पट्टियां हटाता है। मगर अब एलेन पाती है कि वो कुछ भी देख नहीं पा रही है और उस अटैक से वो अंधी हो चुकी है। और यही सब एलन को डॉक्टर भी बताता है कि जो केमिकल एलन की आंखों में डाला गया है, उसकी वजह से एलन ने अपनी देखने की क्षमता को हमेशा के लिए खो दिया है और अब वो कभी भी जीवन भर देख नहीं पाएगी। और ये सुनते ही एलन अब पूरी तरह से टूट जाती है। उसने अपनी आंखों को खो दिया था, उसके साथ ये कैसे हो गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी हॉस्पिटल में एलेन से मिलने एक डिटेक्टिव ब्राइस आता है और एलेन से सब कुछ पूछने लगता है कि उस पर अटैक किसने किया और क्यों किया। जहां एलेन उन्हें बताती है कि उसने अटैकर को नहीं देखा क्योंकि उसने एक गैस मास्क पहन रखा था और उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो उसे नहीं पता कि उसके साथ ये किसने किया है। अब एलन के साथ ये सब किसने किया, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब डिटेक्टिव के जाने के बाद एलन के पास उसके इकलौते भाई का फोन आता है, जो कि अभी जापान में है, और वो एलन से कहता है कि उसे उसकी आंखों के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा है, मगर वो अभी उससे मिलने नहीं आ सकता। लेकिन उसने सिटी सेंटर में ही उसके लिए एक अपार्टमेंट बुक कर दिया है और एक केयर टेकर को भी हायर कर लिया है, जो कि उसे अब बिना आंखों के एडजस्ट करने में उसकी मदद करेगा। अब अगले दिन एलन की आंख उसी नए अपार्टमेंट में खुलती है, जहां उससे मिलने उसका केयर टेकर क्लेटन आया हुआ है। अब एलन के लिए काफी अजीब था, क्योंकि उसे याद ही नहीं कि वो हॉस्पिटल से यहाँ कब आई। जहाँ क्लेटन उसे समझाता है कि शायद से दवाइयों के असर से उसे पता नहीं चला होगा। अब क्लेटन एलन को खुद के बारे में बताता है कि वो एक प्रोफेशनल केयर टेकर है, जो कि एलन को आज से ही डेली रूटीन की एक्टिविटीज सिखाएगा, क्योंकि उसे अभी तक बिना आंखों के जीने की आदत नहीं है। यहाँ क्लेटन एलन को उसके इस अपार्टमेंट के बारे में बताता है, जो कि अभी मेन सिटी सेंटर पर है, जहां उनका अपार्टमेंट बिल्डिंग के 9वें फ्लोर पर है। इसके अलावा क्लेटन एलन को इस अपार्टमेंट में कौन कौन सी चीज कहां रखी हुई है, इन सब के बारे में समझाता है। अब क्लेटन के जाने के बाद एलन अपने कुछ दोस्तों को फोन करने की कोशिश करती है, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से उसका कोई भी दोस्त या कोई रिलेटिव उससे मिलने नहीं आया, जो कि काफी अजीब बात है। मगर अब उन सब के फोन भी बंद आ रहे थे। एलन यहाँ से खुद को काफी अकेला महसूस करने लगती है कि किसी को उसकी चिंता नहीं है। अब अगले दिन एलन का मूड अच्छा करने के लिए क्लेटन एलन के लिए एक पैरट लाता है। एलन उसका कलर पूछती है, जहाँ क्लेटन इसका कलर ब्लू बताता है। यहाँ बर्ड का कलर चेंज इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें सारी इवेंट्स एलन के नजरिए से दिखाई जा रही है। अब एलन नोटिस करती है कि जब भी वो एक बालकनी पर खड़ी होती है, तब उसे नीचे चल रहे ट्रैफिक की आवाज आती है, मगर दूसरी विंडो पर कोई आवाज नहीं आती। यहाँ क्लेटन उसे बताता है कि इस विंडो का ग्लास काफी मोटा है, इसलिए यहाँ से बाहर की आवाजें अंदर नहीं आती। अब दोनों साथ में बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को और ज्यादा जानने लगते हैं, जिसके बीच एलन क्लेटन को छूकर भी महसूस करती है कि वो कैसा है। अब इस रात जब एलन सो रही थी, तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वो उठकर उसे सुनने लगती है कि ये कहाँ से आ रही है, जहाँ वो पाती है कि ये आवाज एयरवेंट से आ रही है, जो कि उसके बगल वाले अपार्टमेंट से जुड़ा है। अब अगली सुबह एलन उस नेबर को चाय के लिए इनवाइट करने का सोचती है, तो वो हॉलवे में निकलकर उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर नोट छोड़ देती है कि वो उसे चाय के लिए मिले। अब उसी शाम वो नेबर एलन के घर चाय पर आती है, जिसका नाम लाना है। अब एलन यहाँ से नोटिस करती है कि लाना काफी वियर्ड बिहेव कर रही है, क्योंकि उसे ऑलरेडी उसके बारे में सब पता है कि कैसे वो एक वॉयलिनिस्ट है
और फिर उसने अपनी आंखों को खो दिया, जबकि एलन आज ही उससे मिल रही है और एलन को भी उसका बिहेवियर काफी अजीब लगता है। अब एलन लाना के चेहरे को भी टच करती है और वहां उसे एक ताजा चोट का निशान महसूस होता है। यहां लाना कहती है कि एलन को किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और ये कहकर वो वहां से भागकर आ जाती है। अब यहां से एलन को लगने लगता है कि शायद से लाना का हस्बैंड काफी वॉयलेंट है, जो कि उसे फिजिकली अब्यूज करता है और उसी से डरकर वो रह रही है। सो एलन डिटेक्टिव ब्राइस को कॉल करके सब बताती है कि उसके नेबर में एक हस्बैंड अपनी पत्नी को मारता है। अब डिटेक्टिव ब्राइस एक ऑफिसर नेमन को उसकी जांच करने के लिए एलन के नेबर में भेजता है और कुछ देर बाद लाना का फोन आता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और वो चोट उसका बर्थ मार्क है। अब अगली सुबह एलन को अपार्टमेंट में काफी अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं और वो क्लेटन को भी बताती है कि उसने नोटिस किया है कि हर रोज ठीक सुबह 11 बजे नीचे मेन रोड से एक कार का अलार्म बंद होने की आवाज आती है, ठीक उसी वक्त जब क्लेटन उसके घर आता है। मगर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि सेम कार, सेम टाइम और सेम अलार्म की आवाज, वो भी हर रोज। क्लेटन यहाँ एलन को समझाने लगता है कि ये शहर काफी बड़ा है, काफी सारा ट्रैफिक भी होता है, सो किसी न किसी कार का अलार्म बजता ही होगा, और ये कहकर वो बात टाल देता है। अब शाम होती है जहाँ एलन को लगता है कि लाना लिफ्ट से आई है, मगर टच करने पर वो पाती है कि ये लाना का वही वॉयलेंट पति है, जो कि एलन से कहता है कि उसे लाना से दूर रहना चाहिए। एलन यहाँ काफी डर जाती है और क्लेटन को कॉल करके कहती है कि क्या वो अभी उसके घर आ सकता है, उसे काफी डर लग रहा है। क्लेटन यहाँ एलन के घर आता है और उसे शांत करता है और यहीं वो एलन से अपने मन की बात बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है और क्या वो भी उसे प्यार करती है। मगर एलन यहाँ क्लेटन को साफ साफ मना कर देती है कि क्लेटन तो उसके लिए बस एक केयर टेकर है और वो अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। अब क्लेटन का ये सुनकर दिल टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है। मगर उसके जाने के कुछ ही देर बाद फिर से वही गैस मास्क पहने हुए आदमी आता है और एलन पर अटैक करता है। एलन किसी तरह से 911 पर कॉल भी कर देती है, मगर वो अनजान अटैकर एलन की गर्दन पर वार करके भाग जाता है। अब कुछ देर बाद एक गवर्नमेंट पैरामेडिक आता है और एलन को बताता है कि उसके गले पर कोई चोट का निशान नहीं है और न ही उसके घर में कोई घुसा है। डिटेक्टिव ब्राइस भी यही कहता है कि सीसीटीवी में भी साफ दिखाई दे रहा है कि क्लेटन के जाने के बाद एलन के घर पर कोई नहीं आया। अब यहाँ से तो एलन को भी लगने लगता है कि शायद से उसे भ्रम हो रहा है। अपनी आंखें खो देने के बाद उससे उसका सब कुछ छीन चुका है, उसका कोई भी जानने वाला उससे मिलने तक नहीं आया और अब एलन के पास उसके जीने की कोई वजह भी नहीं बची है। तो अब वो खुद की जान लेने का फैसला करती है और सेम यही सीन कहानी के शुरू में दिखाया गया था। पिछले इस एक महीने में एलन ने इतना कुछ झेल लिया था, सो वो अब एक नोट लिखकर अपनी बालकनी पर खड़ी होती है और फाइनली कूद जाती है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है और जो अब तक हम देखते आए हैं उन सब के राज एक एक करके खुलना शुरू होते हैं। एलन कूदने के बाद पाती है कि वो तो सिर्फ 6 फीट नीचे गिरी है, जबकि उसे बताया गया था कि वो 9वें फ्लोर पर है। एलन पाती है कि वो एक साउंड प्रूफ रूम में है जिसके चारों ओर स्पीकर्स लगे हुए हैं, जिनमें से अब तक हर रोज उस ट्रैफिक की आवाज आती थी, यानी कि वो सब फेक था। जहाँ वो रह रही है वो आसपास की आवाजें, वो सब कुछ फेक था। उसे यहाँ फंसाया गया है और इसीलिए हर सुबह 11 बजते ही सेम अलार्म उसे सुनाई देता था, क्योंकि वे सब की सब रिकॉर्डिंग्स थी। और इसीलिए आज तक एलन से मिलने उसका कोई भी दोस्त या कोई रिलेटिव नहीं आया और न ही कभी उनसे उसकी बात हुई, क्योंकि वो तो इतने दिनों से यहाँ बंद थी। एलन किसी तरह से ऊपर चढ़ती है और वो सीधा हॉलवे में देखने लगती है कि क्या वो यहाँ से बाहर जा सकती है, मगर ये जगह हर तरफ से बंद थी, यानी कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब कुछ देर बाद क्लेटन आता है, सो एलन एक्टिंग करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। और इसी बीच क्लेटन टेबल पर 2 बार नोक करता है और ये नोक सुनते ही एलन को याद आता है कि इस इंसिडेंट के बाद से अब तक जिन जिन कैरेक्टर से वो मिली है उन सभी की सेम यही 2 बार नोक करने की आदत है, यानी कि वो अब तक जिन जिन से मिलती आई है वे सब के सब
क्लेटन ही बनकर उससे मिला था। वो हॉस्पिटल की नर्स, डॉक्टर, वो डिटेक्टिव, उसके घर आया हुआ ऑफिसर, यहाँ तक कि लाना का हस्बैंड भी, वे सब के सब अलग अलग कैरेक्टर्स नहीं बल्कि क्लेटन ही था जो कि उनके कपड़े पहनकर उनसे मिला था। बस उसने अपनी आवाज बदल ली थी और एलन को अंधा होने के कारण इसका पता ही नहीं चला। अब ये पता चलते ही एलन यहाँ से निकलने का सोचती है और एक गिलास के गिरने का बहाना बनाकर क्लेटन के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। यहाँ से वो क्लेटन की जेब से यहाँ की चाबियाँ और एक टेजर मशीन निकालती है और बाहर भागने लगती है। मगर यहाँ हॉलवे से आगे कोई स्टोर रूम था जहाँ पर वे सारी कॉस्ट्यूम्स रखी हुई थी जिन्हें पहनकर क्लेटन अभी तक एलन को बेवकूफ बनाता आया था। और यही कपड़ों में एलन को वहीं गैस मास्क वाली आउटफिट भी मिलती है जिसने शुरू में उस पर अटैक किया था, यानी कि एलन की आंखें छीनने वाला कोई और नहीं खुद क्लेटन ही था जिसने उसे पहले अंधा किया और फिर बेवकूफ बनाकर उसे यहाँ फंसाए रखा। यहाँ से आगे एलन को लाना मिलती है और यहाँ एलन को पता लगता है कि वहीं सिर्फ एक रियल शख्स थी जिसने उससे अभी तक संपर्क किया और ये रूम भी वही हॉस्पिटल रूम था जहाँ कहानी के शुरू में एलन को लाया गया था। अब लाना यहाँ से एलन को बताती है कि दरअसल वो क्लेटन की बहन है और अब तक एलन को बेवकूफ बनाने में उसने अपनी भाई की मदद की है और उसी ने उसके साथ मिलकर उसे किडनैप किया है। मगर अब उसे एलन पर तरस आ रहा है इसलिए वो उसे यहाँ से निकलने का रास्ता बताती है कि एलन बस क्लेटन के रूम के वेंट के जरिए ही यहाँ से बाहर जा सकती है। अब एलन जब बाहर जाने की कोशिश कर रही थी कि तभी क्लेटन उसे फिर से पकड़ लेता है और बांधकर उसे अपने कमरे में ले आता है। यहाँ इसी रूम में वो वेंट भी था जहाँ से लाना ने उसे बताया था कि वहाँ से बाहर जाया जा सकता है। अब यहाँ से क्लेटन एलन को सब कुछ बताना शुरू करता है कि उसने उसके साथ ये सब क्यों किया। जब वो छोटा था तब उनके पिता ने क्लेटन और उसकी बहन लाना को बेसमेंट में पूरे 3 साल के लिए बंद कर दिया और 3 साल तक उन्हें वहीं रखे रखा क्योंकि उनकी माँ के गुजरने से वे मेंटली बीमार हो गए थे। और उन 3 सालों में बेसमेंट में बंद क्लेटन ने अपने ही मन में कई सारे किरदार बना लिए और उन्हें उनकी अलग अलग बैक स्टोरी दी और खुद को उनकी जगह रखकर सोचने लगा। और इन 3 सालों में उसकी बहन लाना अक्सर उसके लिए एलन का म्यूजिक बजाती थी क्योंकि एलन बचपन से ही वोलिन प्लेयर रही थी तो उसी का म्यूजिक सुनकर हमेशा क्लेटन को लगता था कि उसका म्यूजिक अंधेरे में दिखाई दे रही किसी उम्मीद की रोशनी जैसा था। और जब वो 3 साल बाद बेसमेंट से बाहर आया तब उसने अपने जीवन का एक ही मकसद बना लिया कि जिस एलन के म्यूजिक ने उसे अंधेरे में जीने की उम्मीद दी वो खुद भी उसके अंधेरे में उसके लिए ऐसा ही बनकर दिखाएगा। और इसीलिए जो कैरेक्टर्स उसने बचपन में अपने मन में गढ़े थे वो उन्हीं को परफॉर्म करके एलन को बेवकूफ बना पाया जिसके बाद उसे लगा था कि एलन उससे प्यार कर बैठेगी। मगर जब कल उसने उसे ठुकरा दिया तब उसे बहुत गुस्सा आया इसलिए रात को उसने उस पर फिर से अटैक किया ताकि वो और ज्यादा डर जाए। यहाँ एलन समझ चुकी थी कि क्लेटन और उसकी बहन लाना को चूंकि उनके पिता ने बचपन में ही 3 साल के लिए बेसमेंट में बंद कर दिया था तो उसका उनके मन पर गहरा इफेक्ट पड़ा है और अपने दिमागी फितूर के कारण उन्होंने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है। अब एलन ने टेजर छुपा रखा था तो वो क्लेटन को बेहोश करके वेंट ओपन करती है ताकि यहाँ से निकल सके मगर ये वेंट साइज में काफी छोटा था जिससे वो नहीं निकल सकती लेकिन इसके अंदर एक लिक्विड चिपका हुआ था। एलन इसकी महक से समझ जाती है कि ये वही लिक्विड है जिसने उसे अंधा किया था। और अब जब क्लेटन उसे पकड़ने उसके पास आता है तब एलन क्लेटन की आंखों में भी उसी लिक्विड को डाल देती है जिससे अब क्लेटन खुद भी अंधा हो गया था और क्लेटन जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लगता है। यहाँ लाना आती है और एलन को फाइनली बाहर जाने देती है। अब इस घटना के बाद से 6 महीने गुजर चुके हैं। दोनों ही क्लेटन और लाना जेल में है जो कुछ उन्होंने एलन के साथ किया और अब एलन अपने वोयलिन के सपने को आगे बढ़ा रही है जहां उसका शो एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में है जहां एक साथ हजारों लोगों के सामने वो परफॉर्म करेगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब कहानी का एंड ट्विस्ट आपको कैसा लगा और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आगे भी ऐसी ही बहुत सारी मिस्ट्री और ट्विस्ट से भरी वीडियोज़ आने वाली हैं। थैंक यू।